नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे वर्तमान में नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो हमने पिछले कुछ ही दिन पहले यानी कि कल ही हमने ये बताया कि PTT की जो शेप स्कोर क्या है वो आपको यहाँ पे लिंक ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो पीछे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो PTT है, जिनका नंबर या सिलेक्शन होने की संभावना है, जिनको कॉलेज आसानी से मिल जाएगी, उनको किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या चाहिए, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और किसी प्रकार की अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि तो पहला डॉक्यूमेंट्स है जो काउंसलिंग के समय आपको चाहिए, वो है आपको जो PTT की अभी वर्तमान में जो रिज़ल्ट है वो आपको यहाँ पे चाहिए। PTT रिज़ल्ट का आपको रिज़ल्ट जो सीट है वो आपको यहाँ पे चाहिएगी फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पर आपको 10th और 12th की मार्कशीट आपको ओरिजिनल होनी आवश्यक है। उनकी फ़ोटोकॉपी से आपका जो काम है वो नहीं बनने वाला, इसके लिए आपको ओरिजिनल मार्कशीट की आवश्यकता होगी। आपको तीसरे नंबर पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी आवश्यकता होगी, जैसे कि आपको SC ST OBC, और अगर आप EWS से संबंधित है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। जैसे पिछले साल बच्चों को जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या आई थी, क्योंकि जो PTT वालों ने है ना, वो आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि क्या हुआ था। यहाँ पर आपको बताते हैं कि जो ये है ना कि जो 1 अक्टूबर 2020 के बाद का जो जारी OBC प्रमाण पत्र था वो ही मान्य किया गया था। जो 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर के मध्य जारी OBC प्रमाण पत्र को शपथ पत्र लगाकर आपको जो है वो फिलअप करना होगा। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है या EWS जो भी है वो लगभग आपका यहाँ पर मार्च 2021 के बाद का हो तो आपको यहाँ पे अभी तक चल जाएगा या आसानी से यूज कर सकते हो। अगर आपका नहीं है तो आपको जल्दी ही जो ऑनलाइन वाला है वो आपको यहाँ पे बनवा लेना है, लगभग जो 12 महीने से पुराना ना हो वही आपका कास्ट सर्टिफिकेट अलाउ होगा। नंबर 4 पर आपको यहाँ पर आवश्यकता होती है कि मूल निवास आपके पास होना चाहिए। अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं तो आपको केवल जनरल सीट के तहत ही आपको उसी की मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद आपको पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, और इसी के साथ अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास लगभग 2 ID होने अनिवार्य हैं। यहाँ पर आधार कार्ड के साथ आप एक अन्य आधार एक ID वो लगा सकते हैं, जैसे वोटर ID हुआ, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि। यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होने अनिवार्य हैं शायद, क्योंकि अभी वर्तमान में जो कॉलेज के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उनमें भी आधार कार्ड लिंक आपका अनिवार्य कर दिया था। आपके पास लगभग 3 से 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी अनिवार्य है जो अभी वर्तमान में ही क्लिक की हुई हो, और ज़्यादा पुरानी ना नहीं होनी चाहिए अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। अब बात आती है जो सबसे अनिवार्य चीज़ें हैं, इसके लिए आपको नंबर 7 पर जो अपने आसपास की कॉलेज है जिनकी लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनको आपको जिन भी आसपास के कॉलेजों में आपको काउंसलिंग के समय कॉलेज फिलअप करनी है वो उनकी आपको अलग से लिस्ट बना लेनी है, ताकि आप जब फॉर्म फिलअप कराने जाओ तो ई मित्र धारक के पास आपको ज़्यादा समय ना लगे। तो इसके लिए आपके पास जो कॉलेज चॉइस है उनकी एक लिस्ट होना अनिवार्य है कि आप कौन कौन से कॉलेजों में नंबर लगाना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा हो सके कॉलेज आपको सेलेक्ट करनी है ताकि आपको कॉलेज आसानी से मिल जाए।
जो अंतिम आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका जो फॉर्म आपने फिलअप किया था उसका प्रिंट आउट। उसका प्रिंट आउट आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। आप प्रिंट आउट वापस से निकाल सकते हैं उस जो PTT की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके। इसके बाद आपके पास जो काउंसलिंग करने के बाद आपको जो 5000 रुपये का चालान कटता है वो आपको जमा करवाने के लिए 5000 रुपये की आवश्यकता होती है, वो भी आपको व्यवस्थित कर लेना है। अगर ये वीडियो में किसी प्रकार की कोई और जानकारी छूट गई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके कितने अभी वर्तमान में स्कोर बन रहा है वो भी आप बता दीजिए, और किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।